हमें लोग बड़ा वो करने लगते हैं कि अच्छा इमरान अब्बास इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा है फिर वो चार मीम वो टिकटॉक्स पे आ जाएंगी और अच्छा और लोग जज करना शुरू कर देंगे कि अच्छा काम नहीं चल रहा मेरा ख्याल है आजकल आज दूसरा प्रोटोकॉल <laughs> नहीं दे रहा इसको इटली में मैं इस वक्त आपकी एक गाँव में हूँ तो वहाँ आपकी तस्वीरें नाइयों की दुकानों के ऊपर इंडिया में बैतुलखला में भी लगी हुई थी मरदाने में मेरी और जनाने पे छोरियाँ आएगी तो मैंने कहा ये इसको मैं इस मोहब्बत को क्या नाम दूँ हेलो येट अनदर फुटप्रिंट्स मुझे कहते हैं सईद अली और मेरे साथ है हिना है हिना क्या हाल अली बिल्कुल ठीक ठाक फुट अब शोर अब तो आप सबको पता होगा इसमें हम बहुत सारे लोगों की एक्साइटिंग जर्नी ट्रैवल जर्नी रिलेटेड हैं वो सब आपके साथ शेयर करते हैं और आज के जो गेस्ट है आप आज के जो गेस्ट है, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त yes, जो yes, 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 कहां-कहां yes, yes. रिप्रेजेंट -कहां नहीं किया जितना बड़ा सुपरस्टार है उतना ही ज्यादा हंबल है बहुत अच्छा दोस्त है साथ हमने ट्रैवल भी किया है काफी चीजें एक्सपीरियंसिस किए हैं

Uh, coming on, अन्नीजी चैनल. नाम ले सकते हैं? अच्छा। हाँ, ले सकते हैं। हाँ। हाँ, ले सकते, हैं। हाँ, ले सकते हैं। ग्रीन पे आ रहा है oh, okay. दूसरे तो चैनल का नाम नहीं ले सकते <laughs> थे बातें बाते कर सकते सब बाते हैं और हमें वो सब स्टोरीज जानी भी हैं जो हमारे ट्रैवल रिलेटेड भी. <laughs> <laughs> okay. क्योंकि काफी कल क्या है अच्छा चार दिन पाँच दिन नहीं है एकदम मैंने ट्रेवल एजेंट को फोन किया और वो वीजा की जरूरत नहीं होती मुझे दुबई का जो UAE का वो जो गरी इम्पल्सिव ट्रदन में आता है और मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ फिर क्योंकि आई जबरदस्त तो आई थिंक हमें काफी कुछ आज जानने को मिलेगा काफी कुछ काफी कुछ तो इमरान आपने सबसे पहले ट्रैवल कब किया अच्छा देखिए मैं सबसे पहले जहाज में कब बैठे जहाज में तो मैं उस वक्त बैठा अली जब मैं साइकिल पे भी नहीं मोटरसाइकिल भी मुझे चलानी नहीं आती थी गाड़ी चलानी नहीं आती थी पर मैंने पहले फ्लाइंग सीखी ओके आई

बट आई ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज वेरी यंग मैं ज्यारतों पर गया था अपनी मम्मी पापा के साथ इमाम रज़ा के रोज़े पे सही। तो और मैं जब मैं टी वी पर नहीं आया था मीडिया में नहीं आया था तो हम पहले ट्रेन में सफ़र करते थे अपनी नानी के पास आते थे कराची हैदराबाद फूफी के पास तो सब कुछ ट्रेन वाले लोग थे तो और बड़ा मज़ा आता था, था वो तो मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड करता था ना कि ट्रेन में का सफर पहले कैसा होता था माल का होता था यार आशा? तो मैं इंसार करता हूँ कि ट्रेन का सफ़र मुझे कोई मौका मिले लेकिन okay. ना वक्त होता है बट आई देर इज़ ए वेरी स्पेशल रोमांस कनेक्टेड टू रेलवे स्टेशन और छोटे oh, हाँ. रेलवे रेलवे स्टेशन और माँ खामोशी और गुलजार क्लासिक देख देख के हमने और ज़्यादा दिमाग हमारा खराब हो गया वहाँ जो रोमांस होता है गुलजार की फिल्मों में लेकिन रेलवे स्टेशन में कोई बड़ी अजीब अच्छा, और है। जितने मूवी हाँ। सीन सीन हाँ, हाँ। यही बात की है मैं तो आ, और मेरे अक्सर ड्रामों में रेलवे स्टेशन जिसमें वो बड़े सुपरहिट गए मेरा नाम यूसुफ है और मोहब्बत और सर जहां रेलवे स्टेशन का रोमांस आया जहाँ में खुली बना या कुछ हुआ सो

टोटलीफरेंट फ्राम द प्रीवियस मॉर्निंग बट मैं करना करते हैं, टेक्स मुझे तो मही, काफी महीने लगते हैं मतलब उसमें आप आपको ये वाली आपको नहीं मिल जाती It, uh, फिर आपको um, पहले बहुत आप कुछ सीखना होता है जहाज से उससे पहले, पहले आपको सारी चेक लिस्ट होती है जिसको आपको याद करना होता है सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर बट यान यू Get to to know it. It's an addiction. Yeah. So so I think I'm so sorry, I'm I'm sorry cutting you off. You're the right person who can actually give me a a tip to cope up because I'm a nervous flyer. तो मुझे क्या टिप दे सकते हैं कि इस चीज को लेके ना डरने की जरूरत नहीं अगर जहाज हिल रहा है अच्छा फिर बहुत ही है, मुझे ही है क्या ही तो आपके कंट्रोल में वैसे कुछ नहीं है अब अगर कभी होता है ना बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है यार वैसे बड़ी अजीब सी चीज बहुत बुरी फीलिंग होती है जब जहाज और एक और चीज़ होती है उसमें क्या होता है आपको एक सर्टेन लेवल पे जहाज को ले जाके उसका इंजन शट डाउन करना होता है और उसके बाद जब वो

जब हम देखते हैं तो जाहिर बात है हमें बॉलीवुड वाले सारे के सारे कभी अमिताभ बच्चन इधर जा रहा है तो कभी कोई तो कहीं सही तो आ, मैं लोगों को जब हाथ दिखाता था अपना तो मैं कहता था प्लीज़ ये देखें कि सफर की लाइन है कोई इंटरनेशनल एक ओवरसीज सफर की तो मैं बड़ा मुझे बहुत शौक था सफर फिर पहली दफा मेरा जो सफर जो प्रॉपर सफर था वो लग स्टाइल अवार्ड्स के लिए जब दुबई में शुरू शुरू के हुए थे तो उस वक्त में नॉमिनेट हुआ था बेस्ट मॉडल के लिए सही तो वो ये पहला ये मेरा पहला abroad. एक मॉडर्न मुल्क के अंदर सफर था so, तो थोड़ा रिलीजियस थोड़ा था ना तो जब दुबई गया था तो मैंने कहा वाह ऐसे भी मतलब ऊंची मारते हैं और मॉडर्न दुनिया तो मैं बड़ा <laughs> आके अच्छा मैं एन में पढ़ा में हाँ। तो एन में जब मेरे कोर्समेट्स मैं नॉर्मल से बैकग्राउंड का था और हमारे यहाँ ये वाला नहीं होता था कि छुट्टियाँ गुजारने आप इजिप्ट चले जाम से लोग थे मेरा अब्बा सरकारी मुलाजिम थे मतलब सिविल इंजीनियर थे सी डी में बट एक हलाल कमाई कमाने खाने वाले लोग इस तरह के नहीं होते जिस तरह के हम देखते हैं तो मैं आ, जब छुट्टियों से वापस आता था, था तो मेरी सारी के के सारे के सारे आ, आ, अमीर छुट्टियों तो, में तो 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 मैं, जब मैं दुबई से आया तो मैंने कहा अब मैं सबको बताऊंगा हूँ तो दुबई हमारे लिए बहुत था और दुबई में जब आपने पहली दफा लैंड किया सबसे पहली चीज क्या हिट किया सबसे पहली चीज है उनसे टक्कर हुई थी मेरी के, के, oh my God. Uh, एक दूसरा मुल्क है। अब आ, 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 अच्छा okay. मैं आपकी शख्सियत के मजदूर उजागर हो रहे हैं ना मेरे मैं आर्किटेक्ट हूँ तो uh, मुझे आर्किटेक्टर Hmm. सबसे पहले मुझे आ, हर चीज़ का मैं आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर कैसे बनी बिल्डिंग एग्जैक्टली exactly. uh, कैसे बनी और uh, uh, क्योंकि मैं हिस्ट्री स्टडी हमने आर्किटेक्चर एनसी में एन सी करिकुलम थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं सारी चीज़ें सो so, uh, आप बाहर निकलती सबसे पहले मैं तो आर्किटेक्चर नोटिस करता हूँ इन आर्ट्स मैंने जितना भी दुनिया में ट्रैवल किया है सबसे पहले मैं एयरपोर्ट्स पे उनकी रिप्रजेंटेशन देखता हूँ कि वो किस तरह उनका एयरपोर्ट डिपेक्ट कर रहा है उस hmm. मुल्क के एंड आई एम सो इम्प्रेस विद डेली का एयरपोर्ट माइंड ब्लोइंग आर्ट वर्क और उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे पूरा अपना मुल्क बता दिया है कि oh, wow. उसका आर्ट्स क्या है उसका कल्चर क्या, क्या है उसकी इकोनॉमी क्या है एंड स्पेशली uh, जो मीडियम यूज़ किए हैं उन्होंने uh, अपनी uh, उस आर्ट वर्क के लिए वो इतने इनोवेटिव और इतने कमाल के हैं कि आप सोचते हैं कि यार मतलब मैंने दिल्ली से बेहतर एयरपोर्ट मैंने मॉडर्न बड़े बड़े, बड़े एयरपोर्ट्स भी देखे बट आई थिंक दिल्ली का एयरपोर्ट एक शानदार नमूना है लोगों को सीखने के लिए कि इस तरह आप अपने मुल्क में कोई अगर आए तो उसको बताते हैं कि ये हमारा मुल्क है।

राजकुमार हिरानी हर किसी ने फिल्म्स ऑफर की और बड़ी फिल्म्स ऑफर की लीड के लिए की अब लोग कहते हैं अच्छा करके तो, तो तुम वो वाली आ गए तो ये वाली नहीं, नहीं। सग होते हैं आप नहीं कर पाते कभी आ, बहुत सारे गलत फैसले भी होते हैं जिंदगी में कुछ अच्छे फैसले होते हैं तो मैंने इंडिया इतना ट्रैवल किया है कि मेरी माँ कहती थी कि इतना तुम इस्लामाबाद से पिंडी नहीं जाते जितना तुम बॉम्बे जाते हो वाह तो लोगों को शक होने लगा था कि कहीं मैं कोई एजेंट वेजेंट तो नहीं हूँ भाई अच्छा <laughs> लोगों जिन्होंने बॉम्बे नहीं ट्रैवल किया और अब तो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मुश्किल भी है इंडिया जाना इज़ दैट एक्सपीरियंस मतलब बॉम्बे मुंबई कैसा है या, या हाँ। मुंबई कैसा yes, है मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं उधर संज इज माई वेरी डियर फ्रेंड एंड मोना कपूर जो कि uh, बोनी कपूर की एक्स वाइफ थी जो वो मेरी हरा, राखी बंधन बहन थी आई मेट सो मच ऑफ माई फ्रेंड्स और मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स इंडिया में ही हैं अभी तो मुझे तो बॉम्बे जाके बहुत होमली फील आ रिलेट कर पाते हैं वहाँ की सड़कों से कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते इसलिए आप लाख मसले मसाइल हों लेकिन हमारे पेरेंट्स वहाँ से यहाँ आए कितनों के यहाँ से वहाँ गए तो वो जो आपकी जीन्स के अंदर होता है और आप खून से और अपनी वो यादें और वो जो आपके इनहेरिट कर रहे होते हैं कुछ रासें हो रही होती हैं वो आप लाग कहें कि जी हमारा दुश्मन मुल्क वो दुश्मन लेकिन वो रिश्ते आप नहीं छोड़ सकते जहाँ आपके माँ बाप पैदा हुए हैं जब आप उस गाँव में गए मैं जब गया था उस गाँव में जहाँ मेरे पेरेंट्स का बचपन गुजरा बिल्कुल जब बहुत छोटे थे जब आ गए थे तो उस वक्त मेरी फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी तो मैं बहुत इस तरह गया था कि अब कॉमेडी वो कम कपिल शर्मा के दो शो भी मैं कर चुका था तो वहाँ सब मुझे पहचानने लगे थे तो मैं अब उस तरह गया था कि मुझे कोई पहचाने ना और मैंने मैं मुजफ़्फ़र साहब की फिल्म कर रहा था जानसार जिन्होंने उमराव जान, जान बनाई थी तो मैंने उनको खास तौर पे कहा कि मैं बहुत बोल रहा हूँ क्या नहीं नहीं अच्छा यही बोलना था यही बोलना तो मैंने खास तौर पे कहा कि मुझे मुझे उस इलाके में जाने जहाँ मेरे वाले का बचपन गुजरा या स्कूलिंग हुई या पैदा हुए तो मैंने खास तौर पे वहाँ का वीज़ा लिया तो वहाँ सारी गलियों से मैं गुजरा तो बच्चे मेरे पीछे लग गए और सब कुछ तो मैं एक बड़ी अजीब मेरी आंखों में आंसू थे कि यहाँ कभी मेरे माँ बाप उन दोनों की डेथ हो गई और वो उस ख्वाहिश में ही रहे कि कभी वो दोबारा उस जगह पे पलट के जाके देखें जहाँ वह पैदा तो ये बड़े अजीब अजीब से लोगों की ज़िंदगी में सामने आए हैं कि आप आ, नहीं वापस जा सके अपनी उस जन्मभूमि पे पर या जहाँ पैदा हुए सिर्फ इस वजह से कि पोलिटिकल डिफरेंसेज नहीं थे हालात अच्छा जितना इंडिया घूमा है उसमें सबसे अच्छी जगह कौन सी लखनऊ मैंने पूरी एक फिल्म शूट की लखनऊ में और मैंने बहुत वक्त गुजारा हाँ। मैंने इंडिया के हर पार्ट मतलब मुंबई में दिल्ली में ऊटी में हमारी मेजर मेरी पहली फिल्म थी क्रीचर वहाँ शूट हुई थी और उससे पहले मैं टीवी वी वहाँ कर रहा था तो वहाँ मैं हर हर महीने मुझे जाना होता था दस दिन के लिए इंडिया फिर फिल्म की प्रमोशंस के लिए आपने राजस्थान से लेकर एवरी पार्ट और लाइक स्टार्ट और फिर एक चैनल था जी ज़िंदगी जो कि मैंने लॉन्च मतलब मुझे बुलाया था उन्होंने पाकिस्तान से तो उसके लिए सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के लिए तो इतनी डाइवर्सिटी है तो वहाँ के कल्चर में और वहाँ के जोग्राफ़ी में भी और वहाँ के लोगों के रहन सहन में और बातों में बट लखनऊ के अंदर आपको जब वो मैं एक गाना शूट कर रहा था अपनी फिल्म का तो मुजफ्फ़र साहब ने मुझे कहा कि आपको पता है कि इस वक्त आप कौन सी जगह पर हैं मैंने कहते हैं मैं ही डायरेक्टर था उस फिल्म का और इसी जगह पर

आ, मतलब आ, अच्छी बात है कि आपको आ, कम्युनिकेट करते हैं मुख्तलों में आपको एक फख्र होना चाहिए कि आपकी दूसरी जबान भी अच्छी है बट आपको अपनी अपनी पर फ्र होने का yes. अच्छा होने का ज्यादा फखर होना yes. चाहिए और इस बात मुझे मैं बहुत इस मामले में पर्टिकुलर हूँ कि ये भाई ये मैं बाहर नहीं खड़ा बाहर खड़ा हूँ wow. मैं दरख्त घंटा नहीं हो रहा यहाँ मुझे <laughs> मैं घंटा तो मैं लोगों को करेक्ट करा रहा होता हूँ अपने सेट पर भी अपने एक्ट्रस को इवन डायरेक्टर को रोज दफा कि देखें ये शेर गलत लिखा हुआ है ये शायरी परवीन शाकिर का यह अहमद

इस मामले में कभी इस इंडस्ट्री को कभी कुछ नहीं कर सकता जिसने मेरे बड़े ख्वाब पूरे किए ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक था और शुरू में तो वाला ज़माना भी नहीं था जब हम बिजनेस क्लास ट्रैवल करते थे तो इकोनॉमी में और उस पर भी हम बहुत राजी बजा बहुत खुश होते थे कि भाई टिकट मिल गया भाई ट्रैवल कर, कर रहे हैं स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया और सारी वो ओके वही वाली बात क्या आर्किटेक्चरल आपको लैंड देखने का कि कभी आप ओपरा हाउस देख रहे हैं तो कभी आप स्टेचू ऑफ लिबर्टी तो सारे मैंने देख लिए सारे So, um, पहला स्कॉटलैंड था कैसा तो कैसा लगा कि तो लोग भी बदल गए लोग भी खूबसूरत हो गए हमारे अपने जो साथ गए <laughs> थे उनकी भी खूबसूरत हो गई वरना मैं पूछता किसके साथ गए थे आप नहीं पूछूंगा <laughs> क्या बताऊप्रैक रिकॉर्ड चेक अच्छा इमरान जब आपको जाना है परसों जाना है या कल जाना है तो इमरान अब्बास के सूट केस में जल्दी जल्दी, जल्दी अब क्या चीज़ें होती यार मैं होती आ, है ना मेरी आखिरी वक्त तक पैकिंग कम्प्लीट मैं उन लोगों में से मैं जो मैं मेरे ख्याल साल के 11 महीने में ट्रैवल ही करता रहता हूँ पाकिस्तान में कमी होता हूँ मेरे इंटरनेशनल चीज़ें चल रही होती हैं और लेकिन और जब मैं इस्लामाबाद में भी होता हूँ तो मैं क्योंकि कराची में शूट हो रहा होता है तो मेरी ट्रैवलिंग तो कराची की भी होती है लेकिन ये कमाल की बात है कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी टाइम पे पैकिंग कंप्लीट हो गई हो कुछ ना कुछ रह रहा होता है और मुझे लेट शुरू करने की भी आदत है मैं हमेशा सोता हूँ अच्छा सुबह की बेक बजे की फ्लाइट है अच्छा अब, आ, चलो मैं सुबह उठ के सात बजे जल्दी उठ जाऊंगा कर लूंगा नमाज के बाद फजर के बाद लेकिन मेरी पैकिंग हमेशा अधूरी रहती है एंड आई वन ऑफ दोस पीपल यार एयरपोर्ट अभी चले जाएंगे घंटे जाके बैठ रहा पहले आ, हाँ मैं आखिर में जाता हूँ आखिर में जाता क्या हूँ आप वो ऐसा जाता है कि आखिर में जाना आखिर में ही पड़ता है हाँ। कई दफ़ा तो जहाज मतलब फ्लाइट मिस हुई है बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे लेट जाने की वजह से अच्छा क्या ऐसी चीज़ है जिसकी बगैर तुम्हारी पैकिंग कम्प्लीट नहीं है यार ये तो मुझे मैं कहीं भी जाऊँगा दुनिया के कोने में ये तो चाहिए ही चाहिए यार मैं अपना अपना ख्याल बहुत रखता हूँ मल्टी वाइटामिन नज़र भी आए <laughs> तो आ, फिर मल्टी वाइटमिन होते हैं और उसमें फिर अच्छा किताबें साथ होती हैं और फिर पढ़ता कुछ नहीं लेकिन एक साथ होता है कि हाँ बीच में दिल टूटा था बहुत ज़्यादा तो सबसे चीज सबसे इनके सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ने का शौक हो गया था और रिपोर्ट पे पहुंचते ही सबसे पहले मैं देखता था कि जब क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना रिवाज नहीं है रिपोर्ट्स पे बुक, बुक शॉप्स का बुक का तो मैं सबसे पहले सेल्फ हेल्प की बुक्स ढूंढता था कि जो यू you नो know, 65 फाइव वेज टू बी हैप्पी और उस तरह की ओ, नहीं होती द पावर ऑफ नाव इस तरह के सारे राइटर्स की उतनी है मेरे पास कि एक उदास इंसान मेरे पास से तो अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं और किसी का दिल टूटे तो प्लीज एक मैं, तो बन बोरु भाई, बोरु मैं तो सोचता हूँ <laughs>

थोड़ी देर बाद फिर वही वाली मैं कभी फ्लाइट पे एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ मुझे अब अब इस पॉइंट पे आके है ना वो वाला वक्त आ गया है ना कि हम लोगों को सोने का टाइम भी जहाज़ में मिल रहा होता है तो और म्यूज़िक क्योंकि हम जिस जमाने के हैं उसमें तो हम नाइन्टीज़ में बड़े हो रहे थे और सारी की सारी वो तो वो वो वाला वक्त हम उससे वो वाले जो गाने हैं ना वो जो आप किस तरह के गाने सुन रहे हैं ट्रकों वैगनों में चल रहे हो देर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दोस्तों से कर पाते।, कर पाते हैं तो, हाँ। मैं तो बहुत बॉलीवुड नाइन्टीज अकाग ने किए वो सारे गाने और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन आज के बच्चे उनको नहीं समझ पाते तो इसलिए हमको इसी तरह सुनना होता है कि कि में में जज ना करें। तो आप आप कह रहे हैं कि फ्लाइट, -फ्लाइट एंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं नहीं तो um, <laughs> फिर मेरे पास <laughs> आ, मैं कोशिश करता हूँ सा अपने साथ लेके चलूँ और फिर मेरी एक बड़ी अच्छी आदत है कि मैं लोगों से दोस्तिया कर लेता हूँ फ्लाइट पे और मुझे बुजुर्गों से दोस्ती करने का बड़ा शौक़ है oh, nice. तो अगर मुझे कोई सीनियर नज़र आ जाए फ्लाइट पे तो बस फिर मेरा सफर अच्छा गुजर जाता है बच्चों से मुझे

कैसे देखे सोने हम नहीं? नहीं, 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 तो सारी की सारी इंस्ट्रोमेंटल फ्लाइंग ही कर रहे होते हैं तो हमें सामने नजर नहीं आ रहा होता तो मैं काफी देर तक उनके सामने बै, साथ बैठ के और गाने शाने ये वो सब कुछ तो बड़ा मजा आया <laughs> जबर्दस। <laughs> जबर्दस। <laughs> अच्छा इमरान बाहर गए हो कभी किसी स्ट्रेंजर से मुलाकात हुई हो कोई कॉन्वर्सेशन हुई हो कोई एक बात जो दिल को लग गई हो उस कॉन्वर्सेशन में हाँ अभी थोड़े दिनों पहले फ्लाइट पे ही मुझे एक एयर हॉस्टस मिली थी और जब उस वो डोमेस्टिक ही फ्लाइट थी बिल्कुल अभी करंटली मैं बात कर रहा हूँ और मैं मैं समझता था कि शायद हम हर कोई समझते ना कि हमारा गम सबसे बड़ा है लेकिन जब आप आसपास देखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि वो क्या शेयर है कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम कितना है गम? लोगों के गम देखे तो मैं अपना गम भूल गया तो आ, वो हौसल से जब मुझे अपनी बात मैं समझता कि यार मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई दोनों चले गए घर पे कोई नहीं होता मैं घर वापस जाने को दिल नहीं करता इसलिए कि कोई खुदाफिस कहने के लिए नहीं होता सवाई सर्विस और गार्ड्स के और ना ही जाने को ना आने को ना आपका कोई इंतजार ही नहीं कर रहा होता लेकिन उसने मुझे कुछ ऐसी कहानी बताई कि आ, मैंने सोचा कि यार हर कोई एक अलग ही सफ़र पर है और लेकिन उसकी माँ पैरलाइज है वो किस तरह एक छोटे से शहर से आके वो एयर हॉस्टस बनी है किस तरह उसकी स्ट्रगल है फिर लोगों की नज़रें और ये सारी की सारी चीज़ें एयर हॉस्टेस है तो उसको बहुत मुश्किल ज़िंदगी है क्योंकि आपको तो 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 आप सफ़ सर्व कर रहे होते हैं लोगों को और हर कोई अजीब अजीब लोग होते हैं मर्दों को भी लोग बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं औरतों को भी तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सोसाइटी बुरी है लेकिन ये बड़ा बहुत टफ जॉब है

और शुक्रगुजारी का जो इसीलिए बहुत बहुत अल्लाह ने इसका रुतबा रखा है कि जब आप ग्रैटट्यूड पे आते हैं ना तो फिर आपको आ, फिर आपको लगता है कि ये जो मोमेंट है ना इससे इस ज़्यादा खुशी देने वाला कोई मोमेंट हो नहीं सकता मैं भी यही समझता था कि मेरे साथ जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि मेरे माँ बाप चले गए तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ लेकिन अल्लाह का कितना करम है कि वो चलते हाथ पैर गए और जाना तो बहरह सब नहीं है लेकिन इस वक्त को अगर मैं मुड़ के कभी देखूंगा आगे से दस साल बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद अब जो कर सकता हूँ वो कल ना कर सकूँ और जितना भी मुझे मुझे अल्लाह ने दिया मैं मैं बता रहा हूँ कि मैं पापा मेरे सिविल इंजीनियर थे सरकारी मुलाजिम थे और हमारे हम मेरी एक बहन की भी डेथ हो गई हम बहन भाई थे सारे के सारे छोटे से घर में रहते थे तो मैं जिस जगह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ आम, ये कभी मेरा ख्वाब भी नहीं था जहाँ अल्लाह ने मुझे पहुँचा दिया मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था और इस तरह का एक्टर जिसको हाँ सारी दुनिया में रिकग्निशन हो और फिल्में भी मिल रही हूँ हॉलीवुड बॉलीवुड या वो तो आई थिंक वी शुड बी हैप्पी ऑफ वट वी आर नाउ एंड यू नो कंटेंटेड आपको ये जो कंटेंटमेंट होती है ना ये जो ये खुशी है अगर आप इस पर अल्लाह की रज़ा पर राजी हो जाएँ बस सुकून फिर मिल वो 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 जो जो सुकून है ना, वो, वो खुशी है ना खुशी इमरान कोई क्रेजी फैन आपको हुआ हो, मुल्क से बाहर पे भी हाँ, <laughs> मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था भी। मैं थोड़ी दिनों पहले यूरोप गया था और वो मैं बिल्कुल मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था कोई मेरे साथ मैनेजमेंट कुछ भी नहीं बस अकेला जाता हूँ या काम पे थे तो मैंने बनाया था कि एम्स्टरडैम उतरूँगा वहाँ से पेरिस जाऊँगा मैं नहीं एम्स्टरडैम जाऊँगा से जर्मनी जर्मनी से स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड से पेरिस पेरिस से पांच पांच यूरोपियन कंट्रीज थी अकेले और अकेला और हाँ सही तो मैं जिस जगह गया हूँ मैं स, मतलब मैं आईफिल टावर की टॉप पे मैंने कहा बिल्कुल जो रेस्टोरेंट बना हुआ है ना हाँ। तो मैंने कहा यहां मुझे कम से कम कोई नहीं पहचानेगा लेकिन वहां फिर स्विट्जरलैंड की जो बिल्कुल टॉप आपको वहां फिर तो जब वहां आपको आवर, आप बिल्कुल आप ऐसे जा रहे होते हैं कि अब आपने कपड़े भी ऐसे ही पहने हुए तो आप बिल्कुल आपको कोई बहुत ज्यादा बहुत ही कैजुअल लेकिन जब आपको वहां को मिल रहा होता है ना तो आप कहते हैं यार यहाँ थोड़ी आज़ादी चाहिए लेकिन खुशी की भी, भी बात होती है कि हाँ आपको बड़ी अजीब अजीब दुनिया के कोनों में आपको लोग पहचान रहे होते हैं लेकिन और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते वो फिर इंडिया नेपाल और बांग्लादेश और अरब कंट्रीज़ और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग तो उमरान अब्बास वो अरब वाले अब वो वो यकीन करें मैं हैरान रह जाता हूँ कि थाईलैंड में बैंकॉक में वहाँ किताबों के कवर्स के ऊपर तस्वीर है मेरी तस्वीर है ब्राजील में मेरी मेरी भांजी ट्रैवल कर रही होती है तो वो कहती है कि देखे इटली में मैं इस वक्त आपकी एक गांव में हूं तो वहाँ आपकी तस्वीरें नाइयों की दुकानों के ऊपर इंडिया में बैतुल खला में भी लगी हुई थी मर्दाने में मेरी और जनाने पे ऐश्वर्या राय इन्होंने तो लेकिन मैंने कहा राय की भी अच्छा कौन, कौन सी ऐसी जगह जहां जाके मजा आया क्यारह का ही सुना था मैंने या तस्वीरों में देखा था मूवीज में देखा था और ये बिल्कुल ऐसे ही है वेटिकन सिटी रोम 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 का एक बड़ा अजीब ऐसा है कि आप एकदम गली से निकले और सामने एक कैम्पी थिएटर आपका वो जो कोलेजियम है और वो, तो वो बड़े मजे का रोम का जो है ना वो फिर वेटिकन सिटी में जो आपको सारे बड़े से बड़े आपको जो सारे आर्टिस्ट का काम नजर आता है वो म्यूरल्स और तो वो ज्यादातर अच्छा, लोग तो तो <laughs> <laughs> में सारों से दिल भर जाता है फिर आप उनको प्लीज करने लगता आपने खाना खाया भाजी आपने कुछ <laughs> आपने <laughs> रास्त तो नहीं है नहीं नहीं मैंने बात शॉपिंग कर लिया आप सॉरी में छोड़कर आ गया वो अब सफर में तो मैं थोड़ी देर बाद लोग मुझसे भी आज आ जाते हैं और मैं भी आज आ जाता हूँ तो मैं बस कहता हूँ कि नहीं सफर पे कोई साथ नहीं होने चाहिए थोड़ी देर के लिए सही छोटा पास वाला सैदा कभी कोई ट्रैवलिंग का स्कैम हुआ कोई सामान चोरी हुआ नो कि चीज़ें तो बहुत भूली होंगी तुमने बट <laughs> मैं तो पासपोर्ट भूल कर आ जाता हूँ भाई या तो अजीब वो खरीब मैं तो आदमी इतना भुलक्कड़ एक दफ़ा वॉशरूम में पासपोर्ट भुलाया था फिर जहाज़ बिल्कुल जो था भागता भागताबा में जब पहुँचा हूँ आख़रीब उसने तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए लेकिन मैं बहुत भूलता हूँ बहुत ज्यादा भूलता हूँ हाँ अभी टर्की में इस्तोल में मेरा बोल साथ इस्तोल में बहुत चोरी मेरे साथ ये हुआ था कि मैं मुझे एक गाड़ी दी गई प्रोडक्शन ने कहा कि आप इसमें जो है ना वो रेंटा कार की गाड़ी है और आप इसमें बैठ के

मैंने देखा कि वो खिड़की थोड़ी सी नीचे छोड़ खुली छोड़ रहा है गाड़ी की तो मैंने कहा ये क्यों तो कहते हैं नो नो क्रॉस एयर क्रॉस ईयर मेरा अच्छा मुझे क्या बता दो क्रॉस एयर क्या है वो पीछे से उसने पहले से बंदे से इशारा कर दिया था कि मेरा फ़ोन वो जब वापस आए हो तो वो फ़ोन उड़ा के ले गया था और मुझे पता चला कि इस तरह कितनी मेरे साथ जो और भी लोग गए थे उस जमाने में आईफोन चोरी करने का बहुत ज़्यादा रिवाज था अब तो आप ट्रेस भी कर सकते हैं सब कुछ हो सकता है ना लेकिन शायद उस जमाने में नहीं था लेकिन फ़ोन बड़े चोरी हुए हैं पैसे तो होते ही रहते हैं मतलब वो तो मेरी माँ जब वापस आता था तो पूछते इस दफ़ा कितने चुर, कितने कम हुए हैं so, सो वो तो मेरी अच्छा कितने चोरी हुए कितने तो चोरी हुए मतलब वो रिचुअल है वो तो एक ऐसा है कि वो तो होते ही रहते होते ही रहते हैं हाँ अच्छा जब सारी ट्रैवल अकेले कर रहे हो किस तरह से जगह पिक करते हो कि अभी जैसे आज कोई कहे इमरान अगले एक हफ़्ते छुट्टी है कुछ कोई काम नहीं है मतलब कैसे मूड बनता है कि मुझे बीचेस पे जाना इस वो है वो नहीं जाना आ, पसंद है धूम में वो ए बनाता था ना वो नक्शे <laughs> पे अब मैं बनाता हूँ आई ए अब यह यहाँ रशिया तो इधर को नहीं मैं आ, मतलब बीचे ज्यादा इंजॉय करते हो पहाड़ ज्यादा इंजॉय करते हो क्या न, अकेले कहाँ जाना पसंद सिटी लाइफ नहीं अर्बन लाइफ नहीं करता ज़्यादा अच्छा आ, नहीं किसी भी शहर के डाउनटाउन में रुकना पसंद नहीं है आ, नहीं, नहीं नहीं मुझे मुझे होता है कि एक तो मैं मुझे बहुत ज्यादा पहाड़ भी नहीं पसंद और समंदर है। भी कुछ भी नहीं पसंद आ, नहीं मुझे लैंड पसंद है okay. जमीन वैली धूप सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पसंद और अभी मेरा मुझे किनिया जाने का बहुत शौक है जानवरों को मुझे पूरा एक एक, एक जंगल है खाली और उसमें बीच में एक दरख्त लगा हुआ है हाँ। और उसके नीचे शेर का बच्चा बैठा हुआ है या हाथी मुझे वो चीजें पता नहीं कुछ वो विजुअल्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं तो अभी वो साइड रह गई जाना मैं आ जाऊंगा अच्छा इमरान ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमारे सारे यंगस्टर्स को कहेंगे कि बाहर जाके ये नहीं करो और बाहर जाके ये जरूर एक्सपीरियंस करो आपको बताता हूँ <coughs> ना वो आए मैं आज आपको बिरयानी खिलाता हूँ यहाँ जो है ना पाकिस्तानी अरे पाकिस्तान में छोड़कर कर आए बिरयानी और सारी की सारी चीजें वहां जाके आप वहाँ का खाना तो ये जो होता है ना लोगों को कि वहां जाके बंदे को समझा रहे हैं आप वहां जाके देसी खाने ना खाएगा वहाँ जाके आप पूरा आप देखें कि वो लोग क्या खा रहे हैं वो लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या पहन रहे हैं क्या वहाँ जाके नहीं भी नहीं आप नहीं। अगर आपने यही करना है तो फिर यही बैठो भाई तो <laughs> <नहीं। laughs> अच्छा और कौन सी चीजें जो हमें या जैसे जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं हाँ। उनको सीखनी चाहिए कि कहीं के कल्चर से कहीं की कि कोई किसी कल्चर की बात अच्छी लगी हो सिविक सेंस ओके सिर्फ सेंस यार बहुत प्यारी पाकिस्तान में भी जगह है लेकिन आपको वहाँ जब आप चिप्स के पैकेट और वो और खाने पीने की चीज़ें और ये पता नहीं ये तो ख्याल खाली घर वालों को सीख तो ये तो हैं। बेसिक्स हैं तो वही जगह आपको इतनी प्यारी लगने लगती हैं मैं अब कल परसों भी कुछ देख रहा था कि पाकिस्तान के किसी गांव का मैंने कहा स्पेन के किसी गांव का तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल पाकिस्तान का है सिर्फ इनकी सिर्फ सफाई है और पेवमेंट जिस तरह की हुई भी है लैंड ज़मीन के ऊपर जो गलियों की तो वो बिल्कुल पाकिस्तानी गांव बन जाए उसको सही उसके फसाड़ जरा थोड़ा सा सही कर दें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सफ़ाई अगर वो आप यहाँ लेकिन यहाँ तो आप यहाँ क्या वहां जाके इंसान के बच्चे बन जाएंगे इधर आप रोड पे कूड़ा फेंकेंगे अरे यार पाकिस्तान है पहले से यहाँ लोगों ने फेंका हुआ है तो वो बाहर आप लाइन में भी लगेंगे तो ये चीज अगर आप थोड़ी सी अपनी मॉडिफाई कर लेना लाइफ में तो यहाँ आपको फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है सब कुछ है हमारे अच्छा इतनी दुनिया देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान किया और कोटा भी गया हूँ मुझे गवादर जाने का भी बहुत शौक है अभी मैं गया नहीं हूँ बाकी तो हाँ बाकी सब पूरा पाकिस्तान ही देखा हुआ है तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि जितना दे भी देखा है अभी तक हाँ। आ, फिर वही बात आप लोग कहेंगे कि कुछ मुझे जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ना बीच में जब हम जाते थे तो वो जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते थे वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं हमेशा ट्रेन के सफ़र में त्रेंग जो स्टेशन छोटे छोटे होते हैं ना वहाँ मुझे बड़ा चाहता है कि मैं रुक जाऊँ और जाके कि वहाँ के, के लोग और वहाँ का मुझे गिल -गिल -गिल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत अपेरेंटली गिलगित गिलगितंसा वगैरह सारी जगहों की अपनी को जो है बहुत सबको पसंद आते हैं लेकिन इन छोटी छोटी जगहों का भी बड़ा चार होता है तो यहाँ ये मुझे जगह बड़ी ट्रॉक लगती है अच्छा पाकिस्तान के अलावा अगर मौका मिले कहीं रहने का बाद में दस साल पंद्रह साल बीस साल बाद मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान तो प्रेफर्ड है इसके अलावा कहाँ सोचते हो कि यार इतना मुल्क इतनी दुनिया देख लिया है ऑस्ट्रेलिया देख लिया है यूरोप देख लिया है यूएस देख लिया कहाँ जाके मैं, मैं सेटल हो सकता हूँ कहाँ जाके मैं रह सकता हूँ और कहाँ मैं बिल्कुल नहीं रह सकता हाँ यार खूबसूरत लोग होने चाहिए मेरे आस मैं बड़ा हुसन पर <laughs> मैं ना सीरियसली आप लोग मुझे अब उस पर जो भी कहेंगे जी रेसिस्ट है तो फलाना है तो ये नहीं <laughs> लेकिन मुझे भाई अल्लाह अपने आप के लिए भी कहता है कि अल्लाह <laughs> जमीबल <वा यहुद> जमाल <laughs> वो भी खूबसूरती को पसंद करें तो मेरे आस पास लोग भी एक तो प्यारे होने चाहिए तो कहाँ के लोग प्यारे लगे अभी तक आ... इमरान अब्बास पाकिस्तान के अलावा और कहाँ घर बना सकते हैं घर कहाँ बन सकता है दूसरा घर कहाँ बन सकता है ये बड़ा मुश्किल सवाल है फिर वो

और मेरे एक पाउच था जिसके पा जिसके अंदर मेरे कुछ तक्रीबन आठ हज़ार डॉलर्स थे आ, और वो मैं रास्ते में कहीं किसी रेस्टोरेंट के बाहर गिरा के आ गया हूँ और आप यकीन करें उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ मैंने कॉल किया उस जिस होटल से मैं निकला था उनके कैमरे में उन्होंने देखा कि हाँ आप लेके तो निकले थे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ उस रेस्टोरेंट का नंबर नहीं मिल रहा एंड आई वेंट बैक ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई जस्ट टू यू नो लोकेट दैट पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर एंड दैट वॉज लाइंग नॉट नॉट लाइंग ओवर देयर उस लड़के ने उसके उसने कहा सर आप पहले गिन लें मैं हैरान हूँ कि और वो गैर मुस्लिम बच, लड़का था लेकिन हम जो ट्रेड्स हमारे मुसलमानों में होने चाहिए वो एक गैर मुस्लिम में थे और उसने कहा कि आप ये अमानत थी हालांकि कैमरा भी नहीं लगा था वो उठा सकता था लेकिन ये चीज़ बड़ी कमाल की हुई थी मेरे साथ अच्छा इमरान अब्बास होने का ट्रैवल में कितना फ़ायदा हुआ कभी से बिजनेस क्लास में अपग्रेड हाँ, मिल गया दफ़ा कभी शुरू में तो बे, शुरू में तो में मिलती नहीं थी हम तो बड़े ऐसे मुझे तो याद है एक दफ़ा मैं और हम राजू जमील और हम तीन चार एक्टर्स जा रहे थे काजी वाजिद साहब मरहूम और उनकी वाइफ और नाहिद शबीर मेरे साथ थी और दूसरे से ईमान अली आ रही थी क्या तो हमारी एक फ़्लाइट पे हम हम वो मिस हो गई कनेक्शन मिस हो गया तो कुछ सत्रह घंटे बाद में ग्लासगो जाना था Oh. और हमें कुछ समझ में नहीं आया कि बिजनेस क्लास का ही नहीं था बहुत पुरानी बात है सोलह साल पुरानी बात तो हम कहीं लपेट के बीच में पड़े हुए थे राहगीरों की तरह ना दुबई के एयरपोर्ट पे <laughs> कि हमें कोई पहचान भी ना ले अमल ना पहचानता भी नहीं था <laughs> लेकिन हम छुपा लिया था हमने मुंह कहीं और रास्ते में ऐसे पड़ गए थे कि सोलह घंटे थके हुए कहाँ लेटेंगे तो आ, ऐसा भी हो चुका है अच्छा जब पहली दफा और ये होता था कि जाते ही अच्छा चार सीटें

ये भी सेंस नहीं थी शुरू में तो वरना हम यही डिमांड करना शुरू कर देते लेकिन हमें हमें पता ही नहीं था तो फिर उसके बाद फिर बिजनेस फिर फर्स्ट क्लास और सारी सारी चीजें फिर तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में होने लगा कि नहीं जी फर्स्ट क्लास ट्रेवल करना है ये करना है लेकिन बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस तो हो मंजिल ही ना आए थोड़ी इज्जत इज़त भी ज्यादा मिलती है ना हा, हाँ फिर वो डिस्क्रिमिनेशन

टिकटॉक्स पे आ जाएंगी ओ, अच्छा। और लोग जज करना शुरू कर देंगे कि अच्छा काम नहीं चल रहा मेरा ख्याल है आजकल आज दूसरा प्रोटोकॉल <laughs> नहीं दे रहा जाएंगे ना कि हालात खराब हो गए शायद मैंने अच्छा खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खाना मैं फ्लाइट पे नॉर्मली बहुत कम खाता हूँ और हाँ कंफर्ट लंबी फ्लाइट होती है तो आप थक जाते हैं आप जाहिर बात है सोलह घंटे की है उसको तो प्रॉब्लम होता है लेकिन फिर एक ये वाला मसला भी होता है कि आपके ऊपर बहुत

ओके okay. okay. हाँ बहुत अच्छा टाइम गुजरा था हम दुबई में हमने हमने सॉरी दुबई कह रहा टर्की में शूट किया था उसमें तो फवाद मैं मैमा और वो थे असमा अब्बास भी थी वो बड़ा अच्छा टाइम था और फिर मेरा बिपाशा के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा ऊटी में जब हम कर रहे थे शूट हुँ. आ, हुँ. क्रीचर हिल स्टेशन टाइप जगह थी और हम दो ही वहाँ थे उसमें मेन एक्टर्स तो फिर हम एक ही वैनिटी में आके बैठ जाते थे इसलिए कि क्या करें कुछ करने को काफ़ी लंबा स्कैजल था हमारा वहाँ सारी थ्री डी उस पर बनी हुई थी सी जी आई

खराटे लेते हैं लोग वो अगर लेकिन चलो अब वही वाले आप कहते हैं कि जो बिजनेस क्लास में आपको लेकिन बाज़ खराटे इतना लाउड लेते हैं कि वो पूरी पूरा और बच्चे बच्चे जब ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं लेकिन बाहर मजबूरी होती है बच्चे बाजार ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होती उनके सारे एक्सपीरियंस तो वो चीखे मार रहे होते हैं लेकिन लंबी फ्लाइट में जरा मसला हो जाता है हाँ या ऊँची आवाज में वो म्यूजिक सुन रहे हैं या उनके बच्चे तूफान मचा रहे हैं और उनको कुछ नहीं कह रहे हैं उन माँ बाप पे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई आपके बच्चे पे आपको तो प्यार आ रहा है हमें क्यों आएगा हमारा बच्चा थोड़ी है लेकिन वो बच्चों को कुछ कहते नहीं है वो के नहीं नहीं स्पॉइल हो जाएगा बच्चा या कॉन्फिडेंस उसका वो खराब हो जाएगा या कॉन्फिडेंस उसका शैटर हो जाएगा बड़ा हो गया तो भाई डांटो हमारे तो माँ बाप पीटते थे <laughs> कभी इमिग्रेशन लाइन में रोका गया है लगेज भी खुलाये लगेज नहीं खुला <coughs> आ, इमिग्रेशन पे एक दफा अमेरिका में बहुत लंबी देर मतलब उससे मुझे पता चला कि उससे पहले शाहरुख खान को भी रोका था मैंने कहा चलो ठीक है <laughs> सही है सही कोई बात नहीं स्टार्स के साथ ऐसा ही होता, होता है क्या हो कुछ था नहीं दे जस्ट वेस्टेड माई फोर आवर्स एंड आफ्टर दैट दे कुछ गंदा सा कोई नूडल्स और बस वो खिला के उन्होंने कुछ नहीं बस चले जाए और कुछ कहा भी नहीं कुछ पूछा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ टाइम वेस्ट ये था न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे शायद मेरे साथ हुआ था या घर आज right. गे पहले लेकर yes. ले. तो ले आ चुका था सेम सेम ओ, भूल जाता हूँ खरीद के तो कितनी चीजें तो मेरी फिर बगैर पहने ही फिर वो बच्चों में तकसीम हो जाती है मेरे भतीजे भाजों में लेकिन होता है अब मैं जरा तो अब मैं थोड़ा सा कम करने लगा मेरी बात मेरे ख्याल से हम पहले भी कहीं डिस्कस कर रहे थे तो इस वाली तुम्हारी आदत से बेगम बहुत खुश रहेगी खासतौर <laughs> पर शॉपिंग भूलने वाली वाली और <laughs> <था। laughs> नहीं मैं अब जरा थोड़ा सा कम करने लगा पता नहीं यार मुझे मुझे अचीजी टेंशन होने लगी कि सामान आखिर जाएगा कहाँ अब मुझे वो पूरा का पूरा एक मुँह पे आने लगा है ना वह पूरे पूरे कमरे जूतों से उससे भरने लगे मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैंने एक साल बाद इंडस्ट्री छोड़ दी या दुनिया छोड़ गया तो ये क्या होगा इन कपड़ों का और मतलब बहुत ज्यादा अब अब मुझे अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया अच्छा? मुझे शौक है ग्रोसरी मुझे बड़ा मजा आता है वैस। वैस। में। हाँ okay. मुझे बहुत मजा आता है पता नहीं छोटी छोटी इस तरह की चीजें ना जो वाह तो अच्छा ये जो ट्रैवल पे इतनी अच्छी पिक्चर्स आ रही होती हैं कौन लेता कौन लेता इमरान इमरान वन ऑफ इन मेल सेलिब्रिटीज जितनी भी फेटर्निटी है पिक्चर परफेक्ट आती है इसके सारे ट्रिप्स के भी मेरे साथ इवन रास्ते गुजर रहा होता है ना उसको पूरा फ्रेम बना के दे देता हूँ सिर्फ ये रखना है क्लिक करना है

एक ही जगह पे चार पिक्चर्स ले और वो इतनी आपको सिनेमैटिक लगती है कि यार ये कौन ले रहा है, ये और कर रहा है बता लेकिन इतने अच्छी पिक्चर्स कैसे ले रहे हैं बट इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग Uh, रोशनी का सोर्स क्या है वो किस तरह आपके मुंह पे बाउंस कर रही है किस तरह इधर से पढ़ रही, रही है सिर्फ रोशनी का खेल है ये इतनी मेडिटिंग करता नहीं मैं बदनाम राइट सो गेम गेम एक्सप्लेन कर I mean, सकते हैं अच्छा तो वी आर अबाउट टू क्रिएट योर ट्रेवल स्टोरी और यू आर अबाउट टू क्रिएट यहाँ पे हमारे पास कुछ जगह है uh -huh. यहाँ पे हमारे पास कुछ पर्सनालिटीज़ है कुछ थेके? नहीं है तो काफी सारे हाँ तो आप यहाँ से एक रैंडम कोई भी उठा सकते हैं इसमें से जगह निकालेंगे यहाँ से आप निकालेंगे कोई एक पर्सनालिटी इस जगह पे उस शख्स के साथ इमरान अब्बास क्या कर रहे हैं क्या स्टोरी है क्यों जा रहे हैं अच्छा ओके और हम उसको देखते हैं और आप दिखा भी सकते हैं कैमरे को उष्णा शाह इलेक्शन अच्छा आप उसमें कनेक्शन क्या है हाँ कनेक्शन क्या है आप भी इस सिचुएशन में हैं और वो किसी चीज भी इलेक्शन हो सकता है आ, यूनियन का हो सकता है अपनी किसी काउंसिल का हो सकता आ, है उष्ना के साथ उष्ना के साथ तो मेरी शादी की खबर भी एक गूंज गई थी हा, हालांकि हम जिंदगी में सिर्फ एक बार मिले थे किसी शो पे लेकिन वो तो मेरी इतनी प्यारी दोस्त बन गई उसके बाद उस खबर के बाद तो और अच्छी <laughs> बनी तो उष्ना के साथ मुझे लगता है उष्ना अगर कोई ऐसा इलेक्शन हो ना जिसमें जानवरों के बारे में कुछ

के यार कि लोग क्या बात कर रहे हैं इस मामले में क्या करो तो मुझे लगता है कि हाँ अगर जानवरों के कुछ राइट्स के बारे हुए, में इलेक्शन होंगे ना तो उष्णा उसमें प्रेसिडेंट बन सकती है ऑलराइट नेक्स्ट राउंड 2 राउंड 2 राउंड 2 ओके यहां से और यहाँ से माया अली मियामी बीच माया अली मियामी बीच और इमरान अब्बास और इमरान अब्बास अच्छा ओके okay. um, माया के साथ मियामी बीच पे इमरान अब्बास यार आइटम नंबर वो नहीं करेगी उसने गा, गाने में ही कह दिया था मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी जो करना है तो उस वहाँ जाके हम आ, माया के साथ हम क्या मतलब कोई सेमी क्लासिकल सॉन्ग गा, <laughs> 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 गा रहे होंगे क्या कर रहे होंगे होंगे माया के साथ एक मेरा बड़ा हिट सीरियल था मेरा नाम यूसुफ है तो उसमें क्या आ, माया के साथ क्या होगा मैमी बीच पे तो बस हम बैठ के नहीं क्लासिकल गाना भी चलेगा क्या <laughs> 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 बस माया को हंसी का दौरा ना पड़ जाए वो हंसती हस, है तो फिर वो उस, उस कंट्रोल नहीं होता उससे सीन के बीच में उसको जब हंसी आती थी ना तो ये सब डालेंगे तो, डालें। तो म्यामी बीच पे हम बैठ के क्या करेंगे हम बस पुरानी यादें ताज़ा करेंगे अपने ड्रामे की और क्या और right, यहाँ से निकालेंगे और वहाँ से निकालेंगे फिर दोशिक अवान इजिप्ट <laughs> क्या करें <laughs> फिर आशिक अवान के साथ इजिप्ट <laughs> भाई मैं तो क्लपैट्रा दोबारा शूट करूँगा <laughs> वो आप देखिए क्लपैट्रा मेकअप करती थी <laughs> डायरेक्टर एंड हाँ क्लपेट्रा वाला ऑलरेडी तो मतलब की जरूरत नहीं पड़ेगी वो तो बस सिर्फ बालों को सीधा कट <laughs> अब आप सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन कर लें सीधे बाल कटे हैं और बाकी तो जो क्लियोपेट्रा का हेयर कट था ना वाला तो बस मैं तो बस वैसे इमेजिन कर रहा कि वो जब दोबारा शूट होगी टेलर भी नहीं थी उसके बाद

क्या कुछ सीखा कितना डिवेलप हुआ इमरान अब्बास एज़ कम्पेयर टू यहाँ लॉट लाइक आप इतना सीखते हैं और वहाँ जाके आप प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपने मुल्क की रिप्रजेंटेशन होते हैं oh, yes. सही तो आप वहाँ जाके पागल ना हो जाया करें कि भई हम बाहर गए तो आप अब एक नए इंसान हैं चलो शराबें पियो तो चलो जो मर्ज़ी करने करो करोसी से बदतमीज़ी तो चीखेंगे चलाएँगे सेल्फियाँ लेने के चक्कर में आपने पागल भाई आप पूरा एक एम्बेसडर बन के जा रहे होते हैं अपने मुल्क का आप और आप पहचान लिए जाते हैं आप एकदम लोग आपको देखते ही बताते हैं कि आप आप पाकिस्तानी हैं Hmm. किसी और नेशनैलिटी से आपकी मुमासलत नहीं हो रही उससे सो so, आप एक एक चीज़ का ख्याल करें कि ये एम्बेसडर uh, से पाकिस्तान नहीं पहचाना जाता uh, या एक्टर से नहीं पहचाना जाता यू आर द लिविंग बिल वॉकिंग वग बिल बोर्ड ऑफ योर कंट्री वेर वो जस्ट रिप्रजेंट योर कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल पाकिस्तान आके तो आपने गंद कर नहीं होता है जो चूड़ा फेंक नहीं है सब कुछ है बाहर जाके खुदा का वास्ता अपने मुल्क की इज्जत रखें और जैसे ही आपने जहाज में कदम रखा उसके बाद आप एक सफारतक बन चुके हैं तो आपने एक एक wow. चीज पे बिहेव करना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ग्रेट मैसेज ग्रेट बड़ा लवली मैसेज उन लोगों के उन तमाम लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं और

<laughs> okay, you have to see Japanese toilets. Guys have to Google it. They have a little privacy button. music So if you're in the toilet, like wow. you know, it's so it's so I polite. It. Yeah. Oh my it's cool. so polite, isn't it? And then they have a dryer option also. So it's the, I swear the bathroom. The bathroom is a real thing.